राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी डिस्कस कर ली, तो आपने कुछ जो हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे, भी कुछ मेटल्स क्या होती हैं, जैसे आपने हमने स्टडी भी किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, भाई कुछ तो मेटल क्या करती है, जो मेटल है मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती थी, उसके साल्ट सॉल्यूशन में से अलग कर देती थी, जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स थी और मोर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल थी उसको क्या करती थी, उसके साल्ट सॉल्यूशन में से उसको अलग नहीं कर पाती थी। इसका कारण क्या था ये जानेंगे हम। तो इसका मेन कारण था जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है। जैसे मैं पहले कुछ एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ भी होता क्या है एक्चुअल के अंदर, और फिर हमें उसको एक ट्रिक से जो रिएक्टिविटी है जितना हमारा काम आने वाली है वो सारी की सारी हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता था हमारा भाई, हम जब क्या करते थे मोर रिएक्टिव एलिमेंट की यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था और इसको पढ़ते भी थे हम, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने इसके अंदर देखा था भी जो क्या था हमारा। जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, मैग्नीशियम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम वो सॉलिड स्टेट के अंदर होती थी, और इनके नाम पे बच्चों हम बार बार कहते हैं आपको भाई, इनके नाम है जो वो साथ साथ आप लोगों को लिखने चाहिए। तो ये मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर क्या था HCl है, HCl किसके साथ, HCl हमारा एक्वा सोल्यूशन है उसके अंदर हमने डिजोल्व किया हुआ था। तो क्या करती थी भाई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सोल्यूशन में से अलग कर देती। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से अब जो हमारी मेटल है यानी कि यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा क्या है रिएक्टिव है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगी, इसको यहाँ से अलग कर देगी। या वैसे हम एक रिएक्शन और पढ़ते थे, हम कहते थे भी इसी रिएक्शन को एक दूसरे नेम से पढ़ते थे भाई, क्या करते हैं जब हम मेटल की रिएक्शन के एसिड के साथ करवाते हैं तो ये हमें क्या देती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज थी स्टूडेंट्स हमारी, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा भी क्या हुआ है इसके अंदर, यह हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या था भी, ये क्या है ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो हमने बार बार पढ़ा करते थे हम, या फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हूं अलग चीज का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया किसका, जिंक का, जिंक के साथ ही हम क्या करेंगे इन दोनों रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स अभी। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन होगी जो यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा ZnCl2 बनता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मैम आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे भी क्या नाम है इसका, इसका नाम तो है जिंक, जिंक की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और बनता क्या है जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो यदि इन रिएक्शन को देखें भी हम, क्या होगा इन रिएक्शन को आपस के अंदर हम क्या करके देखें भी, मैच करके देखें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या होगा, हमने ये पता लगाना है भी इनमें से कौन सा, दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो हम क्या करेंगे बार बार इसे, हम क्या करेंगे एक बार इसका साल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, एक बार इसका साल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, तो इसके साल्ट सोल्यूशन में इसको डाल के देखेंगे और इसके साल्ट सोल्यूशन में इसको डाल के देखेंगे। तो ऐसे क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले तो इसको समझिए भी, हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया भी मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, फिर हमने करवाई इसके साथ, तो हम देखेंगे भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे हम, तो रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं हम भी किसकी ज्यादा होगी। तो देखिए इनमें से किसकी ज्यादा होगी, मैं केस के लिए क्या कर लेता हूँ भाई, हम क्या करते हैं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो सकता है स्टूडेंट, और करेक्ट किया भी जाता है इसको एक्सपेरिमेंटली है ये सारे के सारे जो रिएक्टिविटी टेबल है हमारी। देखिए कैसे, क्या बता रहा हूं मैं भाई, जैसे हमने क्या ले लिया, मैंने लिया भी क्या, हमने ले लिया भी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड है हमारे पास, हमने क्या किया उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला, ये एक्वा सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का, ये क्या है बच्चों ये जिंक सल्फेट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा क्या मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने, जिंक सल्फेट के साथ करवाई, तो फॉर्मेशन किसकी होती है, फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम सल्फेट की, और साथ में क्या बनता है स्टूडेंट, साथ में बनेगा हमारा क्या जिंक बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जिंक मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक और रिएक्शन मैं करवा के देखूंगा इसी से सिमिलर, ये तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर क्या ले लिया इसका साल्ट सॉल्यूशन लिया किसका, जिंक सल्फेट का। नेक्स्ट केस के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस के अंदर मैं ले लेता हूँ
जिंक यहां पर ले लेता हूं और सॉल्यूशन बना देता हूं किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ये क्या करते हैं हम, आप करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी यहां पर क्या होगी, नो रिएक्शन होगी। कहीं तो वैसे इसको लिख देंगे, इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे ऐसे ही, क्या बना देंगे, ZnSO4 बना देंगे और साथ में क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम। लेकिन ये रिएक्शन स्टूडेंट्स नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटली भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा भी ऐसा क्या हुआ था इसके अंदर भी जो ये रिएक्शन नहीं हो रही। तो इसका कारण क्या था भी, जो हमारा मैग्नीशियम है बच्चों, वो मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। कैसे, यानी मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या दी थी, जो डेफिनेशन दी थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या था भी, हम कहते थे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव हो, लेकिन तो ये तो मोर रिएक्टिव थी तभी तो इसने अलग कर दिया। एक्सपेरिमेंट आप करके देखोगे तो कलर की चेंज हो जाएगी और जिंक हमारा क्या होगा, सॉलिड के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे बैठ जाता है यहाँ पर जिंक। और इसका सार सॉल्यूशन ये किसका बन जाएगा, ये मैग्नीशियम सल्फेट का बनेगा और यहाँ पर जो नीचे की तरफ होंगे प्रेसिपिटेट वो किसके होंगे, जिंक के होंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम क्या ले लेते हैं, 15-20 मेटल ली, उनके साथ सॉल्यूशन बना बना के हम उनकी रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं और रिएक्शन करवाते हैं, तो देखते हैं भी कौन सी किस रिएक्शन को डिस्प्लेस कर देता है, वो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी टेबल को डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने कुछ रिएक्शन किसकी पढ़ी थी, हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी किसकी, जो हमने देखा था भी, जो हमारा क्या था, कॉपर, देखो कॉपर क्या नहीं कर रहा था, एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा था, उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होती थी। जैसे देखिए एक दो एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं मैं, कौन कौन से एग्जांपल लेंगे, जिंक का ही ले लेते हैं, कॉपर का लेते हैं पहले, तो HCl के साथ लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कॉपर हो गया बच्चों। अब कॉपर की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, एसिड के साथ करवाई, तो यहाँ पर HCl लिया हमने, HCl लिया तो क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आप बताइए भी क्या ये रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसी कारण से यहाँ पर नो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। तो दूसरे वर्ड्स के अंदर हम देखे एक और रिएक्शन थी हमारी, हम ये भी देखते थे भी कॉपर का, हमारा कॉपर का, तो हम क्या करते थे इसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डालते थे स्टूडेंट्स, तो क्या होता था, क्या होगा यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस में क्या बनेगा, जिंक बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये भी क्या है हमारी जिंक है, वो जिंक क्या होती है, मोर रिएक्टिव है किससे, जो हमारा क्या होता है कॉपर से। जबकि अब ये हम यहाँ पर क्या करवाते भी, यहाँ पर मैं जिंक रख दूं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती थी, इसका मतलब क्या हो गया, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, देखो बच्चों हमने तीन एलिमेंट्स को इस तरह से डिफाइन कर दिया भी, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम है, और उससे पहले हमने इसके साथ करवाई थी मैग्नीशियम की। तो एक टेबल तैयार हो रही है बच्चों, इसी टेबल को, जो ये टेबल बन के तैयार हो गई ऐसे ही, कितने ही एलिमेंट हम लेके चले उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे हम, वो क्या होगी भी, जो मेटल्स है उसको हम क्या करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो इसको याद करने का, कुछ मेटल्स है हमारी उनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया हुआ है, तो वो भी याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए भी किस प्रकार से होगा ये, तो देखिए, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन्होंने एक ट्रिक्स दिया है, अलग अलग बुक्स के अंदर भी मिल जाता है, कई बार बुक्स के अंदर भी दिया हुआ होता है। तो ये देखिए भी क्या दे रखा है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले तो मैं वो लाइन लिख देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग हमने वो याद करना है। तो इन्होंने लिखा है भी केदारनाथ का माली, तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरी टेबल को लिखेंगे भी, इसमें लिखा है केदारनाथ का माली, ये याद कर लीजिए, इससे आपको सारी रिएक्टिविटी टेबल याद हो जाएगी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, आलू जरा फीके से पकाता है, धीरे से पकाता है, फीके से पकाता है, कोई है आगे आए, कोई है आगे आए। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसके अंदर, अब हम एक रिएक्टिविटी की टेबल लिख रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखें अभी कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे पहले हम मोर रिएक्टिव लिखते हैं, अभी सबसे पहले कौन सी होती है, हम मैं बात करूं कि पोटासियम है हमारी, पोटासियम सबसे क्या होती है,
पोटासियम हमारी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो इसको हम किससे डिफाइन करेंगे? अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, केदारनाथ से के आ गया। फिर है हमारा सोडियम भी, सोडियम का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सोडियम का सिंबल होता है Na, तो Na से क्या आ जाएगा, Na से आ जाता है हमारा नाथ। फिर बच्चों का मतलब कैल्शियम से आ जाता है कैलिशियम, तो यह क्या आ गया CaCa का मतलब का। तो उसके बाद है हमारा बच्चों क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम से आ जाएगा हमारा Mg, Mg का मतलब माली। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उसके बाद हम लिख लेते हैं क्या, उसके बाद हम लिखते हैं एल्यूमिनियम, तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या एल्यूमिनियम लिख देता हूं। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, तो Al का मतलब आलू से आ गया। तो याद करते जाइए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इससे रिएक्टिव है, ये इससे रिएक्टिव है, ये इससे इस तरह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो उसके बाद जरा, यानी कि जो जरा है, जरा से क्या लगाते हो आप, जरा से हमारा आ जाता है जिंक, तो ये हमारी टेबल चल रही है बच्चों, ये आ गया Zn से क्या आ जाएगा जरा आ गया। फीके का मतलब क्या होगा बच्चों, फीके का मतलब होता है आयरन, यानी कि आयरन, और आयरन का सिंबल क्या होता है FeF। आप लोग कई बार ये देखते होंगे भी सोडियम है, सोडियम को Na से क्यों लिखा जाता है, पोटासियम P से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये क्या होता है, ये कैडमियम होता है और ये नेट्रियम होता है और ये फेरस होता है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए इनके जो नाम है, एक्चुअल नाम है, ये जर्नल लैंग्वेज के अंदर हम इनको ये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फीके से क्या आ गया Fe आ गया, Fe का मतलब आयरन है। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, टीन से का मतलब क्या हो जाता है, टीन है, टीन का मतलब SN से आता है, तो ये क्या हो गया हमारा SN आ जाता है स्टूडेंट। पकाता का मतलब क्या हो जाता है, लेड से आता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेड है, और लेड का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, PB होता है, तो PB से पकाता। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। फिर है आया है हमारे पास, और है का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, है से हमारी आ जाती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल H है, तो यहां से क्या आ गया हमारा H आ गया। तो बिल्कुल इजी ट्रिक्स है स्टूडेंट्स, क्या है अभी केदारनाथ का माली आलू जरा धीरे से जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आए, तो कोई कोई से तो समझ में आ जाना चाहिए भी कोई कौन है, कोई तो हमारा कॉपर ही होता है और कौन है, तो ये कॉपर आ गया, कॉपर से हमको इसको लिख देते हैं Cu, तो ये आ गया कोई से Cu आ गया। उसके बाद है भी है दोबारा फिर आ जाता, और है से अब आएगा क्या मरकरी, यानी कि Hg, तो ये क्या आ गया भाई मरकरी, तो एम मरकरी से हम आ जाते हैं Hg के ऊपर। उसके बाद हमारा आएगा भाई सिल्वर, आगे का मतलब सिल्वर आ जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका भी अलग नेम होता है, तो ये आ गया हमारा सिल्वर। सिल्वर के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी कि ये आगे जी, और आए आए से मतलब Au, Au से होता है हमारा गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी ट्रिक्स स्टूडेंट्स, और समझ में आ जाना चाहिए भाई हमने क्या बताया इसके अंदर भी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता, कोई है आगे आए, तो इसका मतलब भी हमने सारे याद कर लिए भी, केदारनाथ सोडियम पहले पोटासियम, फिर पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड, और गोल्ड फिर उसके बाद प्लेटिनम भी आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे क्या है सिंबल्स हैं और मेटल्स हैं, लगभग हमारी जो NCERT बुक है उसमें इसे कम दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद होने चाहिए स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारी ये लास्ट वाली तीन चार है ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है लेस रिएक्टिव, मैं लिख देता हूँ ये क्या होंगी वेरी वेरी, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होती है, लीस्ट रिएक्टिव, तो ये क्या होती है बहुत ज्यादा कम होती है इनकी रिएक्टिविटी, जबकि इसकी बात करें हम कहां से कहां तक, यहां से लेके और यहां तक, ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है मोर रिएक्टिव, यहां पर लिख देता हूं भी मैं क्या होती है ये मोर रिएक्टिव, आप लोग लिख लेंगे। और जो बीच के अंदर आती है वो आप लोगों को पता ही होगा भी वो क्या होता है, वो मॉडरेट होती है, यानी कि ये क्या होंगी ये लेस रिएक्टिव होंगी, वो लिस्ट थी और तो ये क्या हो जाती है लेस रिएक्टिव हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सोडियम सबसे ज्यादा, फिर उसके पोटासियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम की कम हो जाती है, मैग्नीशियम की उससे कम, एल्यूमिनियम की उससे कम, जिंक की उससे कम,
आयरन की उससे कम, जिंक टिन की उससे कम, लेड की फिर कम, हाइड्रोजन की कम, फिर कॉपर की, मरकरी, और सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं गोल्ड को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या था ये हमारे लिए क्या है, रिएक्टिविटी टेबल है। और आप लोग याद कर लोगे तो यहाँ से हम पता लगा सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ से आपको पता लगना चाहिए भी हाइड्रोजन की ज्यादा रिएक्टिविटी है, कॉपर की कम है, तो इसीलिए क्या नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करता। अब जिंक की हम इसके साथ करवाते थे तो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाती थी, लेकिन यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ से हम यहाँ जाते थे तो रिएक्शन हो जाती थी, लेकिन इससे वापिस आए इस तरह से आए तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है भी, हम कहते थे वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी भाई क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के वजह से क्या करता था, उसको सॉल्यूशन में से अलग कर देता था। तो ये चीज थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस के ऊपर। तो यूजेस हम क्या करेंगे, अलग अलग है, जैसे आयरन का है आप लोग वैसे लिख सकते हैं। आयरन का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, और कहां पर करते हैं, दरवाजे बनाने के अंदर, डोर्स वगैरह बनाने के अंदर किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने के अंदर, एलॉय बनाने के अंदर किया जाता है। कॉपर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज कहां पर किया जाता है, ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, एक एक दो दो यूजेज, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं और जिसकी आपको तैयारी नहीं होती, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स उसके अंदर आप मार्क्स पूरे ले सकते हैं। अब जैसे यूज है, यूज कुछ भी है जो आपने देखा है अभी, जैसे हम देखते हैं स्टील है, स्टील के हम क्या करते हैं, स्टील कहां से बनता है, लोहे से बनता है, और आयरन से बनता है, तो आयरन के यूज के अंदर आपका भी स्टील की अलॉय बनाने के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इसको। जिंक का कहां पर किया जाता है, यानी कि जस्त बनाने के अंदर, कैथोड बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई सेल बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड का हम ज्वेलरी बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर का क्या करते हैं, सिल्वर का भी ज्वेलरी बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे सारे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स और बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है हमारे जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन हुए हैं तो उनके बारे में बात करते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने कहा नेम द टू मेटल विच आर फाउंड इन द फरी स्टेट, यानी कि ऐसी मेटल के नाम बताने हैं जो हमें क्या मिलती है, नेचर के अंदर फरी मिलती है। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हमने लिखे थे वो सारे के सारे क्या करते हैं, नेचर के अंदर फरी मिलते हैं। तो वो क्या जाते हैं, सिल्वर और गोल्ड है हमारे, वो नेचर के अंदर फरी मिलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा है भी कुछ मेटल्स के नेम पूछे हैं, जैसे भी कोई लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, कौन सी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो मरकरी है स्टूडेंट्स। यदि वो पूछे भी पुअर कंडक्टर है हीट का पुअर कंडक्टर कौन सी मेटल थी, हीट का पुअर कंडक्टर, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी थी, हमारी लेड थी स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, पूछे जाते हैं, तो ऐसी मेटल भी जो क्या करते हैं हम कट विद नाइफ, तो कौन सी मेटल होती है, तो मेटल होती है हमारी कौन सी, यानी कि सॉफ्ट मेटल में हम लिख देते हैं किसका, सोडियम और पोटेशियम को लिख देते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कट विद नाइफ कर सकते हैं बच्चों। और क्या कहते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो हमारा हीट है या इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर कौन सा आता है, हीट और बेस्ट का बेस्ट कंडक्टर मतलब, तो ये कौन सी आती है बच्चों, इसके अंदर आती है सिल्वर। लेकिन सिल्वर के इसीलिए नहीं बनाए जाते स्टूडेंट्स, क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि क्या होता है ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, इसीलिए इसके जो सामान है वो नहीं बनाए जाते। फिर आप लोगों को हमने बताया था भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप लोगों को याद आने चाहिए, कोशिश कीजिए भी मेमोराइज कीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से थे। हमने बताया था भी ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये, यदि इनके साथ हम एसिड ले तो बेस का काम करेंगे, बेस का ले तो एसिड काम करेंगे, यानी कि द मेटल ऑक्साइड विच एक्ट एज एसिड और बेसिक नेचर इन नेचर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो एसिड और बेस दोनों का काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फिर बच्चों कभी भी आपको क्या मिले, रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन मिले, मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन मिले, भाई यहाँ पर लिख देते हैं जिंक है, सिल्वर है, HgSCU है, भी कौन सा किसको डिस्प्लेस कर देगा, तो आपको पता होगा भी रिएक्टिविटी देख लेंगे हम, जिंक फिर कॉपर फिर क्या हो जाएगा Ag हो गया, तो इस तरह से हम देख लेंगे भी क्या करेगा, ये इसके साल्ट सोल्यूशन में से इसको अलग कर देगा, ये इसको साल्ट सोल्यूशन में से अलग कर देगा, और ये इसको भी क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। लेकिन इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती, ये इसको नहीं सेपरेट कर सकता, ये इसको नहीं सेपरेट कर सकता, और रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके अलावा भी हमारे पास आते हैं भी जो हमारे क्या है, पहले भी क्वेश्चन आया था हमारा भी जो सोडियम और पोटाशियम है उनको क्या नहीं रखा जाता, उनको हवा के अंदर नहीं रखा जाता, खुला नहीं रखा जाता,
उन्हें या तो केरोसिन ऑयल के अंदर या फिर वैक्स के अंदर रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बताना चाहिए भी यदि हम सोडियम पोटाशियम को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे हवा के अंदर तो क्या करता है वो हवा जो एयर के अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव करके यानी कि एक्सप्लोजिव होता है वो, यदि आप उसको वाटर के अंदर डाल देंगे तो काफी एक्सप्लोजन कर सकता है और आप लोगों के लिए भी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या नहीं करते भी जो हमारा क्या होता है सोडियम पोटाशियम उनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर या फिर वैक्स के अंदर डाल के रखा जाता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भी जो हमारी क्या है भाई जो आयरन की रिएक्शन बतानी है स्टीम के साथ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आयरन की स्टीम के साथ क्या रिएक्शन होती है। वैसे आप लोगों को पता होगा भी जो आयरन है हमारा वो कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो किसके साथ करता है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होने के कारण क्या हो जाएगा ये क्या नहीं करता रिएक्शन नहीं करता आसानी से किसके साथ वाटर के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं गैसीय फॉर्म के अंदर यानी स्टीम के अंदर लेके चलते हैं तो क्या बनता है Fe3O4 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। और यदि मैं इसकी गोल्ड के साथ करवाऊं गोल्ड की स्टीम के साथ करवाऊं तो रिएक्शन नहीं देते, क्यों नहीं देते क्योंकि स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए वो उनके साथ रिएक्शन नहीं देते। फिर उसके बाद अभी हमारा कौन सा उन्होंने पूछा है भी कैल्शियम और कैल्शियम की रिएक्शन पोटासियम की रिएक्शन किसके साथ वाटर के साथ, तो आप कर सकते हैं तो आसानी से हो जाएंगे स्टूडेंट। तो क्या होगा CaOH2 बनता है साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए ऐसे ही पोटासियम और पोटासियम की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं हम तो भी सेम हमारा यही बनता है क्या बनेगा KOH बनेगा साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और बैलेंसिंग इक्वेशन आपने कर रखी होगी नहीं किया तो जो हमारे क्या है फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पर संजीव सर के नाम से सर्च कीजिए वहां पर आपको मिलेगी तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ नहीं होता हीट एंड ट्रायल मेथड है एक हमारा तो यहाँ पर टू लगा दीजिए, टू लगा दिया तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इसके आगे भी हमने क्या करना है इधर भी टू लगा दो इधर भी टू लगा दो तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है यानी बिल्कुल इजी मेथड है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या होता है हीट भी साथ में लिबरेट होती है तो आपने देखा होगा भी यहाँ पर क्या होता है एक्सप्लोसिव रिएक्शन है आपको बताया था अभी यहाँ से हीट बाहर निकलती है एक्सप्लोजन होता है जब हम सोडियम या पोटासियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते, कभी भी नहीं करवानी चाहिए बच्चों और कभी भी ज्यादा सोडियम का नहीं बिल्कुल एक छोटा सा यानी कि छोटा कितना भी जो आपने आइस क्यूब देखो देखा होगा शुगर क्यूब है उसके जितना टुकड़ा भी लोगे तो भी वो एक्सप्लोजन करता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, वैसे तो आपके टीचर आपको बताएंगे सजेस्ट करेंगे भी किस प्रकार से की जाती है इनकी रिएक्शन, वैसे इतना जरूरी भी नहीं होता आप लोगों के लिए। फिर हम बात करते हैं भी जो हमारा आयरन है गोल्ड सिल्वर है सिल्वर और गोल्ड वो कहते हैं हम या फिर हम प्लेटिनम कहते हैं इनकी ज्वेलरी आप क्या करते हैं जो हमारी क्या होती है टीवी एड है उसके अंदर भी आता है भी प्लेटिनम ज्वेलरी के बारे में आता है डायमंड ज्वेलरी के बारे में आता है भी इन्हीं की ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है सोना चांदी और तो प्लेटिनम की ही ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर एक तो क्या होता है स्टूडेंट्स लस्चर होता है इनके अंदर, लस्चर का मतलब इनके अंदर क्या होता है चमक होती है और उस लस्चर के कारण इनको क्या कहते हैं यानी चमकदार होते हैं और चमकदार होने के कारण इनको क्या किया जाता है इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। दूसरा क्या होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं कॉस्टली होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं इसी कारण से इनको क्या बनाया जाता है इसी कारण से इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। फिर आपने पता होगा कि जो एल्यूमिनियम है वो क्या है हाईली रिएक्टिव मेटल है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं आपने सुना होगा भी उनके बर्तन बनाने के अंदर अनटेंसिल बनाने के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसका एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स किसके बनाने के अंदर अनटेंसिल बनाने के अंदर, तो उसका काम इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है स्टूडेंट्स। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण क्या होता है वो हमारा क्या होता है बर्तन है एक तो उसका क्या होता है बच्चों एक तो लाइट वेट होता है किसका एल्यूमिनियम का लाइट वेट है लाइट वेट होने के कारण और दूसरा क्या है गुड कंडक्टर किसका है हीट का गुड कंडक्टर है तो इसी कारण से हम क्या करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसी कारण से क्या हो जाते हैं उसके बर्तन जल्दी से गर्म हो जाते हैं और दूसरे हल्के हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं उनका इस्तेमाल क्या किया कहाँ पर करते हैं बर्तन बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपने पता होगा अभी जो सभी मेटल्स हैं वो क्या करती हैं मेटल की रिएक्शन आपने देखी थी केमिकल प्रॉपर्टी में पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखी हमने, जब भी मेटल की रिएक्शन में एसिड के साथ करवाता हूं तो यहां पर क्या होता है मेटल का जो भी मेटल साल्ट बनते हैं और साथ में क्या होती है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है अभी। और इसके उसके अलावा उसके जो हम बता रहे थे फिजिकल जो हमारे क्या यूजेस है
यूजेज के अंदर आप लिख सकते हैं भी, जैसे अलग अलग मेटल का नाम लिख के अलग अलग बताना आपने भाई। जैसे हम कह देंगे भी आयरन है, आयरन कहाँ पर यूज किया जाता है, आयरन यूज इन बिल्डिंग मेकिंग बिल्डिंग्स, ए आयरन यूज इन किसके अंदर, आयरन हमारा यूज होता है किसके अंदर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, एलोए बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स का। फिर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम क्या करते हैं, एरोप्लेन एरोप्लेन वगैरह बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वायर बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फिर कॉपर की बात बता देंगे, कॉपर का भी इस्तेमाल वायर बनाने के अंदर किया जाता है। हमारे कुछ क्या होते हैं जो हमारे बर्तन होते हैं उनको बनाने के अंदर, यानी अनटेंसिल बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी इस्तेमाल अनटेंसिल बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। और अभी हम क्या कह सकते हैं भी, जैसे फिर हमारा आगे सिल्वर आ गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, यानी कि कुछ वायर्स बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आयरन है हमारा, इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यानी बहुत सारी मेटल्स है, जो सी मेटल आपको याद आ रही है उसी का मेटल का यूज आप यहाँ पर बता दोगे स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे क्या बच्चों, ये थे हमारे मेटल और मेटल से लेकर जो भी इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए लगभग। तो इसके अलावा फिर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो हम देखेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहले नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को धीरे धीरे करते जाएंगे स्टूडेंट्स। और ये चैप्टर हम आपको बार बार कह रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो 100% यहाँ से मैं श्योर हूँ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर एक क्लास के अंदर इसका यूज होता है। तो बच्चों ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, थैंक यू।